नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर साहब हमें कई तरह के रंग बिरंगी कैप्सूल लिख कर देते हैं। दवाओं का इस्तेमाल तो हर कोई करता है। पहले जिन्हें हम अंग्रेजी दवा कहते थे, आज वो हमारे रोजमर्रा या रूटीन का हिस्सा बन गई है। हमारी लाइफ स्टाइल जिस तरह से हो गई है, उसके कारण हम काफी सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। ऐसे में दवाओं के सहारे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कैप्सूल में आखिर क्या मिला होता है? कैप्सूल वेज होता है या नॉन वेज, इसे लेकर बहुत सारी डिबेट हो रही है और लोग समझ में नहीं पा रहे हैं आखिर सही क्या है और गलत क्या। तो चलिए आज के सेशन में हम कैप्सूल की बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वेज है या नॉन वेज। कुछ कैप्सूल के कवर जिलेटिन से बने होते हैं तो कुछ कैप्सूल पर सेलुलोज के बने कवर लगे होते हैं। जो कवर जिलेटिन से बने होते हैं उन्हें सामान्यतः नॉन वेज कैप्सूल कहा जाता है, क्योंकि जेलेटिन से बने कवर को पशुओं के सेल्स, स्किन और बोन्स से तैयार किया जाता है, जबकि सेलुलोज से बने कवर को पौधों से बनाया जाता है। इसलिए सेलुलोज से बने कवर वाले कैप्सूल्स वेज कैप्सूल्स कहलाते हैं। लेकिन काफी सालों से देश में केवल जेलेटिन के बने कवर कैप्सूल्स का प्रयोग होता है। ऐसे में चाहे आप वेज हो या नॉन वेज, किसी ना किसी रूप से आप नॉन वेज के संपर्क में आ ही जाते हैं। अभी हमारे मन में सवाल उठता है कि क्यों किया जाता है जिलेटिन का इस्तेमाल कैप्सूल में। तो आइए जानते हैं, जिलेटिन का इस्तेमाल हार्ड और सॉफ्ट सेल वाले कैप्सूल बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे प्रोटेक्शन बढ़ जाती है। दवाओं को ऑक्सीजन, लाइट, बैक्टीरिया और माइक्रोब से बचाना होता है, साथ साथ इसका स्वाद और बदबू भी कम करनी होती है। इस कारण ऐसे पदार्थ की जरूरत पड़ती है जो कम दाम में ये सब कर पाए। जिलेटिन इन सबको आसानी से कर सकता है और यही कारण है कि मार्केट में 75% कैप्सूल जिलेटिन के बने होते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कैप्सूल में पोर्क से बने अंश होते हैं या कैप्सूल पोर्क से भी बनते हैं? इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों में दिया जा सकता है। कैप्सूल का मुख्य इंग्रेडिएंट जिलेटिन होता है जो हड्डियों से बनता है और अधिकतर पोर्क की हड्डियों का इस्तेमाल होता है, इसलिए एक अंश में इसमें पोर्क हो सकता है। लेकिन अब हलाल सर्टिफिकेट वाले या फिर वेजिटेरियन कैप्सूल्स भी आने लगे हैं जो काफी फेमस है। कैप्सूल का 75% मार्केट जिलेटिन बेस्ड कैप्सूल ने कैप्चर कर रखा है। प्लांट बेस्ड कैप्सूल बहुत कम आते हैं और अब धीरे धीरे प्लांट बेस्ड कैप्सूल का मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि प्लांट बेस्ड कैप्सूल बनाने में प्रोसेस ज़्यादा लंबा होता है। इस कारण कैप्सूल बनाने वाली कंपनियां इसको बनाने से बचती है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI के वैज्ञानिकों ने एक विशेष बैठक में इस विषय में चर्चा करते हुए कहा था कि दवा निर्माताओं को यह निर्णय करना चाहिए कि कैप्सूल्स के कवर में जिलेटिन का काम लेंगे या सेलुलोज का। इस विषय में समय समय पर बहुत सारी न्यूज आती रही है। BIS ने अपने स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा था कि अनेकों कारण के चलते जिलेटिन के कवर के विकल्प के रूप में हाइड्रॉक्सी प्रोपेल मेथिल सेलुलोज सेल बनाने की आवश्यकता है। कैप्सूल को दवा के रूप में लिखते समय डॉक्टर को मरीज की धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मान्यताओं का ध्यान रखना चाहिए। अब मरीज की हालात तो मरीज ही जानता है। बीमारी के समय मरीज को किसी भी तरह से सही होने की फिक्र लगी रहती है ताकि उसे बीमारी से होने वाली कष्ट से मुक्ति मिले। ऐसे में चाहे जिलेटिन का कवर वाला कैप्सूल या सेलुलोज से बने कवर वाला कैप्सूल, इन बातों पर मरीज ध्यान नहीं देता। आशा करता हूं कि इस सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।